नमस्कार, पंजाब केसरी .com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने ताल ठोक दी है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पीके ने हुंकार भरी और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जन सुराज पार्टी को लॉन्च करेंगे। वहीं अब बिहार की राजनीति से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व भाजपा नेता और लोकसभा चुनाव लड़ने वाले भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह पत्नी के साथ जन सुराज पार्टी में शामिल होंगे, इसकी चर्चा तेज हो गई है। प्रशांत किशोर ने जब से अपनी पार्टी जन सुराज बनाने का ऐलान किया और लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, तभी से हर क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में उनसे जुड़ रहे हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में उनकी टीम में शामिल हो रही हैं। इस बीच भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी सोमवार को प्रशांत किशोर से मुलाकात की है। इस बात की जानकारी उनकी टीम के सदस्यों ने दी। दरअसल प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वो विधानसभा चुनाव में 40 महिलाओं को टिकट देंगे। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद इस बात की भी चर्चा तेज हो गई है कि पवन सिंह के बाद अब उनकी पत्नी भी राजनीति में किस्मत आजमाने आ रही हैं। हालांकि पवन सिंह को इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में कामयाबी नहीं मिल सकी और काराकाट लोकसभा सीट पर वो दूसरे नंबर पर ही रह गए और CPI MLA के राजा राम सिंह को जीत हासिल हुई थी। पवन सिंह यहां से निर्दलीय खड़े हुए थे क्योंकि BJP से मिला आसनसोल का टिकट विवाद के कारण उन्होंने लौटा दिया था। वो BJP के टिकट पर आरा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे जो उन्हें नहीं मिल सका। अब चूंकि प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं और 2 अक्टूबर 2025 को जन सुराज एक राजनीतिक पार्टी बन जाएगी, तब महिलाओं को टिकट देने का उन्होंने ऐलान किया है। ऐसा माना जा रहा है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जन सुराज की ओर से आरा से विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। प्रशांत किशोर इंडिया गठबंधन और NDA पर लगातार निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि वो बिहार की जनता को जन सुराज के रूप में एक नया विकल्प देंगे। उनका कहना है कि अब तक की राजनीतिक पार्टियों और सरकार ने लोगों को सिर्फ ठगा है। बिहार में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ऐसे में अभी से राज्य में राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। वहीं अब इस विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के ऐलान के बाद से बिहार की राजनीति को और दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि अभी तक जहां RJD, JDU, कांग्रेस और BJP पार्टी यहां की सत्ता पर हावी रही है, तो वहीं अब PK के आने से जनता को एक और विकल्प मिल जाएगा। देखना होगा कि बिहार की जनता किसे मौका देगी, लेकिन ये बात तो तय है कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को जरूर मिलेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।